एक बंदा जो कि एग्जामिनेशन निकाल लिया है और एक जिसने एग्जामिनेशन नहीं निकाला है, उसमें सिर्फ एक चीज का फर्क होता है और वो ये है, ये कंटिन्यूअसली डेली पढ़ता है और ये एक दिन में पूरा पढ़ने की कोशिश करता है और दूसरे तीसरे दिन से पढ़ता ही नहीं है। सीधी सी बात है कि अगर आपको एग्जामिनेशन निकालना है तो उसके लिए कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सोर्स वगैरह तो अलग चीज़ है, क्या क्या रिसोर्सेज हैं आपके पास वो भी अलग चीज़ है, लेकिन सबसे मेन चीज़ जो है वो है कंटिन्यूटी। तो आज मैं आप लोग को एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के बारे में बताना चाहूँगी कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन फॉर सोशोलॉजी के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सो लेट्स गेट इन द वीडियो एंड टॉक अबाउट व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज साक्षी और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। वो ये है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन फॉर सोशियोलॉजी की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो देखो, स्ट्रैटेजी ना बहुत जरूरी है। जनरली क्या होता है कि आप बहुत सारी वीडियोस देखते हो, बहुत सारी स्ट्रैटेजी बनाते हो, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप बिना स्ट्रैटेजी के ही पढ़ने लग जाते हो। तो ये चीज गलत है ना। मैं आपको एक लाइन आज साफ साफ बताने वाली हूँ जो आपको अपने दिमाग में रखनी है, फॉलो करना है, और वो ये है कि अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद नहीं कर पाए, दैट मींस कि आप कल भी बहाने बना रहे हो, परसों भी बहाने बना रहे हो, नरसों भी बहाने बना रहे हो कि मैं कल से करूंगा यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी, तो आप कभी नहीं कर पाओगे। सबसे अच्छा दिन जो आपके लिए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी करने का है वो आज से है। ठीक, अपने जो प्लान्स हैं, अपनी जो स्ट्रैटेजी है, उसे बहुत ही पेशेंटली बनाइए, लेकिन जब एग्जीक्यूट करने की बारी आएगी तो उसे बहुत ही इम्पेशेंटली करना, मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी करना, बस मुझे ख़त्म करना है। इसे आप काम की तरह सोचो कि आपको ये वाला काम कैसे भी करके निपटाना है और बहुत ही सही तरीके से निपटाना है, क्योंकि उसके बाद रिविजन की भी तो बारी है। क्योंकि आपका दिमाग रॉबोट की तरह तो है नहीं कि एक बार पढ़ लिया और उसके बाद एग्जामिनेशन में जाके एकदम 100%। इसीलिए काम को बहुत सही से करो और एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोचने से कुछ नहीं होगा, सोचते तो सब लोग हैं, निकलता कम लोग का क्यों है, क्योंकि वो एक्ट करते हैं और आप सिर्फ सोचते रह जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी। सबसे पहले आपको जो चीज करनी है उसका नाम है कि सब हटा के जुगाड़ो 5 ईयर्स क्वेश्चन पेपर। लास्ट 5 ईयर्स क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए। एक साल में 2 बार नेट के एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है, ये बात को समझने की कोशिश करना। एक साल में कितने बार नेट के एग्जामिनेशन होते हैं? 2 बार। तो टोटल 5 साल की करोगे तो 1000 आपके पास क्वेश्चन पेपर सामने होंगे। फिनिश इट विद इन 10 डेज। दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसकी इंपॉर्टेंस अभी समझ में नहीं आएगी, आपको लगेगा ये बहुत बड़ा बोझ है मेरे दिमाग में, लेकिन जैसे ही आप इस चीज को सॉल्व कर लोगे, आपको बाद में इसका जो रिजल्ट है, जो कॉन्सिक्वेंसीज हैं, वो समझ में आएंगी। ठीक, तो सबसे पहले ये काम को कर ले, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी, दैट इज प्रिंट आउट द क्वेश्चन पेपर्स जो पहले वाले थे, ठीक है, प्लस सिलेबस। सिलेबस प्रिंट आउट कराना बहुत जरूरी है। मोबाइल में रखने से कुछ नहीं होगा। 4-5 पेज के क्वेश्चन पेपर है और आप क्वेश्चन पेपर में बोल रही हूँ, सिलेबस है, आप उसे निकाल लेंगे तो बहुत ज्यादा घाटा आपका होगा नहीं, आपका फायदा होने वाला है। तो सिलेबस को जरूर प्रिंट आउट करके निकाल लें। प्लस उसका जो एक एक चीज है उसको मैं अब डिस्क्राइब करने वाली हूँ। चलो ठीक है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 वेरी इंपॉर्टेंट। इतना को पढ़ लोगे तो मैक्सिमम आपके अराउंड 50% आपको मिल जाएगा, अगर आप अच्छे से पढ़ लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। डोंट जज मी, क्योंकि ऐसा लगेगा कि 50% में तो फिर सेलेक्ट ही हो जाएंगे, ऐसा जनरली होता नहीं है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ये 3 यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ लो। पहला है आपका कल्चरल सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, क्लासिकल थिंकर्स हैं इसमें, मॉडर्न थिंकर्स हैं इसमें, इसमें आपके कुछ इंडियन थिंकर्स हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है पहला वाला, ठीक है, जो यूनिट है इसको पूरा कर लो। दूसरा है रिसर्च मेथडोलॉजी, तीसरा है एक कॉमन से जो बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी होते हैं। मेरे ख्याल से ये तीनों चीज़ें मैंने बहुत सही से कंप्लीट कराई है अपने फ्री कोर्सेज में, तो आप देख सकते हो जाके अनअकैडमी पे, और नहीं तो किसी दूसरे का भी एक एक करके टॉपिक सर्च करके देख लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसका देखना चाहते हो। ठीक, अगर बुक से जिनको कवर करना है, जिनको ऑनलाइन वाली चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो CN शंकर राव इज़ वेरी बेस्ट ऑप्शन यूनिट 3 के लिए। और पहला जो यूनिट है वो हरलंबस से कंप्लीट कर लीजिए।
सेकेंड जो रिसर्च मेथडोलॉजी है उसके लिए आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, सब में सब दिया हुआ रहता है, तो उसके लिए कोई दिक्कत की तो बात ही नहीं है, ठीक है। ये तीन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, अब बचेगा आपका आगे का, जिसमें रूरल सोशियोलॉजी है, अर्बन सोशियोलॉजी है, थोड़ा सा इन्वायरमेंट डाला हुआ है, फिर पॉलिटी के बारे में थोड़ी सी बातें पूछी गई है, इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, आखिरी यूनिट कल्चर और स्पोर्ट्स और डांस के बारे में है। तो ये सब के लिए आप क्या पढ़ोगे? ये सब के लिए इम्पॉर्टेंट है कि क्रैश कोर्सेज को एक बार देख लीजिए, फ्री क्रैश कोर्सेज हैं अनअकैडमी पे। आप थोड़ा सा मेहनत करिए, सर्च करिए, आपको जो भी टीचर है और जिनका अच्छा लगता है आपको, आप उनका क्रैश कोर्स एक बार पढ़ सकते हैं। अलग से मेरे हिसाब से आपको कोई बुक वुक लेने की ज़रूरत नहीं है। ट्रूमैन पढ़ सकते हैं, ज़्यादा हो तो ट्रूमैन पढ़ सकते हो बिल्कुल, ठीक है। और इसके साथ थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि करंट अफेयर्स से जुड़ के रहें। करंट अफेयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब करंट अफेयर्स तो भाई क्या ही कहने उनके, ठीक है। आपको इकोनॉमी, पॉलिटी, थोड़ा सा इन्वायरमेंट, थोड़ा सा साइंस एंड टेक तो नहीं बोलूँगी, साइंस एंड टेक और ज्योग्राफी को छोड़ के ना, यूपीएससी के जितने भी जो कंपाइलेशंस चलते हैं, यूपीएससी एग्जामिनेशन के कंपाइलेशन, महीने महीने के कंपाइलेशन मिलते हैं, इनसाइट के दे सकते हो, या फिर कोई भी अवेलेबल होगा नेट में कंपाइलेशंस ले लेना, खरीद लेना। मनोरमा ईयर बुक पढ़ सकते हो ज़्यादा है तो, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, दृष्टि आईएएस के कुछ कंपाइलेशंस को पढ़ सकते हो, तो उससे आपका करंट अफेयर्स वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसमें वो जो जितने भी पॉलिसीज होती है ना, वुमेन्स और जो क्या कहते हैं उन्हें, चाइल्ड डेवलपमेंट, ये सारे से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज सब कवर कराते हैं। तो ये इतना आपका पूरा सॉल्व हो गया। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक चीज़ बताओ, अगर आप पूरी थ्योरी पढ़े हो, ठीक है, किसकी, गाड़ी चलाने की, आप कार सीखना चाहते हो और उसकी आपने पूरी थ्योरी पढ़ी है, लेकिन आपने रोड में आज तक कार चलाई ही नहीं है, एक्सीडेंट तो पक्का हो गई, राइट। तो यही सेम सीन होगा अगर आप मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज नहीं दोगे तो, क्योंकि ये एग्जामिनेशन एमसीक्यू वाला है। अगर आप कितनी भी थ्योरी में तैयारी कर लो लेकिन आपकी प्रैक्टिस नहीं है इतने घंटे बैठकर एग्जामिनेशन को सही टिक करना, तो आप कभी इस एग्जामिनेशन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कहूँगी कि इतना थ्योरी को जल्दी से ख़त्म करो, कम से कम एक महीने में, ठीक है। एक महीने में रोज़ दिन पढ़ोगे 9-9 घंटे, 8-8 घंटे, क्योंकि जिनको निकालना ही है भैया तो उनका पहला प्रायोरिटी तो पढ़ना ही है, और कोई ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो उसके बाद कम से कम 10 पेपर सॉल्व कर लो मॉक टेस्ट के, टेस्ट सीरीज़ के, खरीद लो जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन भी चल रहे हैं अभी कोरोना के कारण, तो भाई सभी ऑनलाइन हो गए हैं, तो उनसे आप ज़रूर खरीदे और टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर सॉल्व करें। और ज़्यादा हो रहा है ना तो पूरा ड्रेस वगैरह पहन ले, जैसे आप एग्जामिनेशन में जाते हैं, और किसी को अपने इन्विजिलेटर बना लीजिए। घर में ऐसा माहौल नहीं है कि कोई आपका इन्विजिलेटर बने, तो अपने आप अपने मॉम डैड को बोल दो कि मत आना रूम में कम से कम 2 घंटे के लिए, ठीक है। और उस टाइम पीरियड में आपको सॉल्व करना है, टाइमर लगा लो अपने फ़ोन में, फ़ोन का सही यूज़ करो और सॉल्व करो कम से कम 10 पेपर। आई एम वेरी श्योर आपका एग्जाम निकल जाएगा। और इस बार प्लीज़ यार कोई बहाना नहीं, आपको कोई भी अपडेट्स चाहिए आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो सोशियोलॉजी से रिलेटेड। हो सकता है कि मेरे आने वाली वीडियो सोशियोलॉजी से रिलेटेड नहीं रहे, लेकिन मुझे जो भी लगेगा जो इंपॉर्टेंट है मैं बीच बीच में डालती रहूँगी। बाकी आप प्लेलिस्ट में देखना, मैंने मैक्सिमम वीडियोस कवर कर दिए हैं और अनअकैडमी में भी फ्री में मैंने मैक्सिमम वीडियोस कवर कर दिए हैं। सो थैंक यू सो मच, अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना, एंड थैंक यू, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड सी यू, बाय बाय इन द नेक्स्ट वीडियो।